हेलो फ्रेंड्स, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से मिक्स ड्राई फ्रूट की पक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जन्माष्टमी के दिन खास मिठाई श्री कृष्णा जी को भोग लगाने के लिए बनाए जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम देख लेते हैं हमें पंचमेवा पग बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कटोरी हमने मखाने ले लिया है, ग्राम के हिसाब से करीब हमारा 150 ग्राम मखाने हैं, और हमने 150 ग्राम सूखे नारियल को पहले हमने छील लिया है। ऊपर का जो भाग है वो भाग हमने छील के और इसे कद्दूकस कर लिया है, और 150 ग्राम हमारा ये नारियल है, आधा किलो चीनी चाशनी के लिए, 15 इलायची ले लिया है, इसे हम छील के इसका पाउडर बना लेंगे, 150 ग्राम हमने देसी घी ले लिया है, और यहाँ पे हमने खरबूजे का बीज ले लिया है, करीब 70-80 ग्राम हमारा खरबूजे का बीज है, 30 ग्राम हमने खसखस ले लिया है, 20 हमने बादाम ले लिए हैं, और हमने थोड़ा सा काजू ले लिया है, और थोड़ा सा किशमिश ले लिया है, और हमने 30 ग्राम गोंद ले लिया है। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं हम पंचमेवा पग श्री कृष्णा जी के लिए। हमने एक कढ़ाई ले लिया है, सबसे पहले हम सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे, तो हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा घी हम अभी बचा देंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाए, सबसे पहले हम मखाने फ्राई कर लेंगे इसमें। मखाने को हमें हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। देखिए, मखाने हमारा फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप। हमें मखाने को फ्राई करते हुए हमने 3 मिनट में हमारा मखाने फ्राई हो गया है। अब हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस बंद कर देते हैं अभी, क्योंकि मखाने हमारा जल सकता है, और इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम गैस फिर से ऑन कर देंगे और 1 चम्मच घी इसमें और ऐड करेंगे। इसमें हम बादाम डाल देंगे और काजू भी, थोड़ा सा हमें इसे रोस्ट करना है हल्का कलर चेंज होने तक। हमारा काजू और बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए अच्छा कलर चेंज हो गया है इसका। इसे हमने 1 मिनट ही फ्राई किया है। अब इसे भी हम मखाने वाले प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें बाकी घी ऐड कर देंगे। तेल घी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। पहले घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, अब हम इसमें गोंद, जो हमने गोंद लिया था उसको हम 3 बारी में थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। थोड़ा तेल गर्म हो तभी आप गोंद डालें, नहीं तो गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होता है, ये फूलता नहीं है, फिर वो सख्त रह जाता है। बस कुछ सेकंड हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर से हम जो बाकी बचा हुआ गोंद था वो दे देंगे। देखिए, हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे।
गोंद सभी फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें खरबूजे का बीज फ्राई कर लेंगे। देखिए खरबूजे का बीज थोड़ा चटकते हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा जब कीजिएगा। देखिए इसका भी कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें नारियल डाल देंगे। हम नारियल डालने के बाद 2-3 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारा नारियल भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा जो किशमिश है वो डाल देंगे और खसखस भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट इसे ऐसे रोस्ट करना है। हमने सभी को एक साथ 2 से 3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई में चीनी डाल लिया है, 1/2 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे इसमें। जितना चीनी लिया है हमने उसका 1/2 हमने पानी ऐड किया है। चीनी को हम मेल्ट होने देंगे सबसे पहले। चीनी अगर आपको थोड़ा ज्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। जब तक हमारा चाशनी बन रहा है तब तक हम ये सभी ड्राई फ्रूट्स को दरदरा मिक्सी में पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम बादाम और काजू क्रश कर लेंगे। थोड़ा सा ही बस हमें चलाना है, इसका बस टुकड़े हो जाए, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है हमें इसे, दरदरा इसे हमें करना है। तो सबसे पहले काजू और बादाम को हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए हमने बादाम और काजू को दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल हमारा इसमें साबुत भी दिख रहे हैं। इस हद तक हमें इसे पीसना था। देखिए अब हम मखाने को भी थोड़ा सा क्रश कर लेंगे जार में डाल के। मखाने और गोंद हम एक साथ ही कर लेंगे, इसे भी बस एक ही बार चलाना है। हमने मखाने और गोंद को भी देखिए दरदरा पीस लिया है। इसमें भी हमारे मखाने 1-2 साबुत दिख रहे हैं और इसी हद तक हमें इसे पीसना था। हमारा एक तरफ जो चाशनी बन रहा था वो हमने गैस स्लो कर दिया है बिल्कुल। अब हम ये सभी मिक्स कर लेंगे एक जगह में। बादाम काजू का पेस्ट और ये मखाने और गोंद सभी एक साथ हम मिला लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम चाशनी की तरफ चलते हैं। देखिए चाशनी हमारा बन चुका है, हमने गैस अभी तेज कर दिया है। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स के मिक्स को इसमें हम चाशनी में डाल देंगे। सभी मिश्रण को हम अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे नीचे हमारा चिपके ना, और इसे हम बर्फी जमाने तक थोड़ा टाइट होने तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। लेकिन लगातार हमें चलाते रहना है।
इसमें हम इलायची का, जो हमने इलायची के दाने को कूट के रखा था वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अब हमारा बर्फी बनने तक ये मिश्रण गाढ़ा हो चुका है। चीनी और सभी ड्राई फ्रूट्स एक साथ गिर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये मिश्रण बर्फी के लिए तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने गैस बंद कर दिया है और देखिए इसे हमें इतना ही गाढ़ा होने तक पकाना था। देखिए गैस बंद कर दिया है हमने। एक प्लेट ले लेंगे हम बर्फी जमाने के लिए। हम इसमें थोड़ा सा ब्रश से हम घी लगा लेंगे। हम पूरे प्लेट में घी लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम दूसरे प्लेट में भी ऐसे घी लगा लेंगे। अब हम इसमें ये मिश्रण डाल लेंगे। हम दोनों प्लेट में जमाएंगे क्योंकि हमारा एक प्लेट में ये नहीं होगा, तो पहले हम एक प्लेट में इसे डाल लेते हैं आधा। एक स्पैचुला की मदद से हम इसे थोड़ा सेट करेंगे। हमने देखिए अच्छे से सेट कर लिया इसे। थोड़ा आप करते टाइम जल्दी कीजिएगा, नहीं तो चीनी हमारा जब सूख जाएंगे तो अच्छे से सेट नहीं होगा। अब हम इसे बर्फी के साइज में हम काट लेंगे। ड्राई फ्रूट्स होने की वजह से ये बर्फी थोड़ा हमारा शेप में नहीं बनेगा, नहीं कटेगा। देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को और मेरे रेसिपीज को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। थोड़ा आराम से जहाँ पे हमारा बादाम और काजू के टुकड़े हैं वहाँ से हमारा टूट सकता है। देखिए हमारे पंचमेवा पग बनके तैयार है। अभी काफी गर्म है तो उठाने में। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स की वजह से हमारा अच्छे से पीस का कटिंग नहीं हुआ है। जो चूड़ा हमारा बन जाते हैं वो भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स इस जन्माष्टमी आप ये पंचमेवा पग बनाइए और श्री कृष्णा जी को भोग लगाइए। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो मैं अगला रेसिपी लेके जल्दी आप लोगों के सामने आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।